वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज है कनव का बर्थडे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर एक्साइटमेंट में थोड़ी नज़र लग गई है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है और कफ भी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इसको कोल्ड हुआ था तो मुझे भी कोल्ड हो गया। बट कोई बात नहीं, आज का प्लान पूरा सेट है, आज तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो मैं कन्नू को लेके जा रही हूँ उसको चॉकलेट शेक पिलाने एंड उसके फेवरेट उसको छोले भटूरे खिलाने। फटाफट बस रेडी होके निकल रही हूँ, फिर शाम को तो डिनर पर ही जाना है। तो भाई कन्नू की गिफ्ट पैक हो रहे हैं, ये रात का सीन है। रात को 12 बजे से पहले मैंने सारी की सारी डेकोरेशन कर दी है, हैप्पी बर्थडे बैनर लगा दिए हैं, बैलून्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पे सारे इसके गिफ्ट्स भी सजा दिए और चॉकलेट्स रख दिए हैं बहुत सारी कन्नू के लिए। कन्नू के लिए ना मैंने गिफ्ट मंगवाया था, थोड़ा लेट हो गया था बट आज वो आ गया है लकीली। ये इसको काफ़ी पसंद आ रहे हैं आजकल एक्शन फिगर्स, तो इसको ये देती हूँ अभी जाके। तो ये है वो कन्नू के लिए जो मैंने लिया है गिफ्ट। हम आ चुके हैं भाई चॉकलेट शेक पीने, कन्नू को पिलाने आई हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा छोले भटूरे का। भाई कसम से ये लोग इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं ना, मेरे से तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने जा रहा है इतनी गर्मी में कसम से। जैसे ही मैं घर पे आई ना, वैसे ना मेरे को बहुत ज़्यादा ना डिजीनेस सी होने लग गई, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा चक्कर से आने लगे। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मेरे को ऐसे आदत नहीं है ऐसे ना, मतलब बाहर धूप में जाने की उस टाइम, तो इतनी डिजीनेस होने लगी। अब एक घंटा जाके सो के थोड़ा सा बेटर लगा है। अब कन्नू का एक्चुअली गिफ्ट आ गया है, एक और गिफ्ट आ चुका है, अब वो रिसीव कर रही हूँ मैं। खाना वाना तो हमने खा लिया था बढ़िया, अब बस हम रेडी होंगे और केक लाएंगे। ये है हमारा बर्थडे बॉय जिसको आज बहुत मज़े आ रहे हैं फ़ोन में लग के, क्योंकि आज इसका दिन है। अब सब लोग कमेंट में लिख दो, क्या लिखना है कमेंट में? हैप्पी बर्थडे। ये आज फिर कहाँ जा रहे हैं हम? पैसिफिक मॉल। क्या करेंगे पैसिफिक मॉल जाके? खेलेंगे। ये है कन्नू की एक्शन फिगर्स, ये सारे एनिमे के। ये तत्तीसा मैंने नहीं मंगवाया था, ये पता नहीं क्या है, ये तो मैंने नहीं मंगवाया। बहुत डिलीवरी वाले भैया आए थे केक की डिलीवरी देने, वो पूरे के पूरे भीगे हुए। मैं कहा इधर तो बारिश हो नहीं रही है भैया, भीग के कहाँ जा रहे? कहते मैम जहाँ पे आपका एक केक लाया हो ना यहाँ से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं इधर क्यों नहीं आती बारिश है, मेरे एरिया में क्यों नहीं आ रही, कितना डिफरेंस है उस जगह में इस जगह में। तो भाई जो मैंने केक मंगवाया था, जो केक आया है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरे को एक बार बात करनी पड़ेगी। कैसे खेलते बस ओवर एक्टिंग मत करो। तो भाई मैं तो हो गई हूँ रेडी, मैंने ना अपना हेयर स्टाइल ना चेंज कर लिया, मैंने ना पोनी टेल कर रखी थी वो मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने चेंज कर लिया। वैसे मैं हमेशा स्ट्रेटनिंग करती हूँ बट ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए ना मैं सब कुछ भूल ही जा रही थी दिमाग से। तो अब हम जाने के लिए रेडी हो गए पैसिफिक मॉल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी है। एंड फाइनली हम आ गए पैसिफिक मॉल टाइम जोन, यहाँ पर हम खेलेंगे कुछ गेम्स। तो भाई साहब जी की फेवरेट बाइक पर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा खेल लिया भाई, अब टाइम पेट पूजा का। तो हम आ गए गोला सिजलर्स टू ट्राई देयर सिजलर। मम्मी ना बहुत अदाएं दिखाती है व्लॉग में, तो मैं ना मम्मी को इसलिए व्लॉग में ना लेती नहीं। मैंने क्या अदाएं दिखाई? देखो ये ऐसे बात ही नहीं करती है भाई, बात ही नहीं करती। प्याज है, इसको मैंने ना दूर करा पापा से, वो एक और प्याज ले पापा के लिए। कुछ तो गड़बड़ थी। फाइनली 25 मिनट्स वेट करने के बाद हमारा सीजर आ चुका है एंड इट इज़ लुकिंग सुपर यमी। चलो भाई अब हम चले घर, 2-3 घंटे यहाँ स्पेंड करने के बाद नाउ लेट्स गो होम। ओके गाइस, तो भाई हम तो आ गए हैं अपने घर पे पैसिफिक मॉल में सीजर वगैरह खा के एंड मज़ा आ गया। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था,
कन्नू का बर्थडे बहुत अच्छे से निकल गया। बस आज ना एक इशू आ गया कि जो केक हमने मंगवाया था ना, उस केक की फोटो और जो केक अराइव हुआ ना उसकी फोटो ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, तो वो एक स्विगी स्कैम हो गया हमारे साथ, मतलब रेस्टोरेंट स्कैम हो गया। तो और गंदा भी था, मतलब और टेस्टी भी नहीं था केक, तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज हो गई आज हमारे साथ। तो अब आज की व्लॉग को हम करते हैं एंड, अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो होगी मेरे बर्थडे की व्लॉग, क्योंकि मेरा बर्थडे है 24 जुलाई यानी कि नेक्स्ट वेंसडे को। तो अब आप सब लोग हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना कनफ को कमेंट्स में, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।